सांसद दयानिधि मारन के बयान पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने पलटवार किया है। साथ ही कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी तंज कसा और बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। वहाँ के जो युवा हैं वो टॉयलेट साफ करते हैं और जो साउथ से आते हैं इंग्लिश बोलते हैं वो ही आईटी इंजीनियर बनते हैं। देखिए कुछ लोग हैं इस देश के अंदर जो देश को तोड़ना चाहते हैं पर हम जोड़ना चाहते हैं। ये तोड़ने वालों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। ये घमंडिया गठबंधन के सदस्य हैं। मुझे दुख होता है कि इस प्रकार की देश तोड़ने की बात होती है और कांग्रेस चुप बैठी रहती है। मैं मारन के इस बयान की निंदा करता हूँ। आई राहुल गांधी ने भी ये कहा है कि लोकतंत्र की हत्या अपनी मर्जी से सरकार काम करती है, तानाशाही का मुझे अपना मुझे लगता है कि बाल हट अच्छा नहीं है। अभी तक राहुल जी का बचपना नहीं गया। पार्लियामेंट पूरी की पूरी जवाबदारी लोकसभा अध्यक्ष की रहती है। उन्होंने जांच समिति बैठा दी, जांच समिति की रिपोर्ट आएगी जब तक रुकना चाहिए उनको। गृह मंत्री का क्षेत्र नहीं है वो, तो गृह मंत्री बयान कैसे देंगे। इसलिए बचकाना जो स्थिति है विपक्ष की उसकी सर्वत्र निंदा हो रही है।